पोहरी बैराड़ क्षेत्र के एक सैकड़ा से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं पहुंचे मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा के पास, वेतन न मिलने से है परेशान। पोहरी और बैराड़ क्षेत्र के करीब एक सैकड़ा से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं आज पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा के निज निवास पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने वेतन न मिलने की शिकायत की। जहां पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री द्वारा कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से फ़ोन पर बात कर जल्द से जल्द वेतन डलवाए जाने हेतु फ़ोन पर अवगत कराया गया, जहां अधिकारियों द्वारा सोमवार तक वेतन डलवाए जाने की बात कही गई है। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आप सभी लोग यहाँ पे आए हो मंत्री जी के यहाँ पे किस लिए आए हो? पोहरी विकास खंड में शिक्षकों के सातवें वेतन की चौथी किस्त का एरियर आज तक नहीं मिला। BLO 56 BLO से जिनका वेतन कट गया था, उसके बाद DO साहब ने आदेश भी जारी कर दिया, उसका भी आज तक भुगतान नहीं किया गया। नवीन शिक्षक जो लगभग 200 से ऊपर की संख्या में जिनका 6-6 महीने से यहाँ कार्य कर रहे हैं, उनका भी वेतन भुगतान नहीं हुआ है। इस तरह से पोहरी विकास खंड में हमारे विभाग के अधिकारियों से परेशान चल रहे थे, इसलिए हमने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आज यहाँ मंत्री जी के यहाँ अपनी बात रखी है। क्या कुछ आश्वासन दिया मंत्री जी ने आपको? मंत्री जी के DO साहब से भी बात हुई है, यहाँ DDO साहब से भी बात हुई है, और उन्होंने बताया था कि सोमवार तक हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। शिक्षकों की और उसका क्या नाम? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक तो आए, लेकिन उनकी समस्या सुनने आप भी आए और उसको हल कराने की कोशिश भी की। जैसे वो मेरे पास आए, उन्होंने अपनी समस्या दी, मेरे को ज्ञापन दिया। मैंने तत्काल कलेक्टर को फ़ोन लगाया, कलेक्टर BC में था। मैंने DO को फ़ोन लगाया, पहले बात हो नहीं पाई, दोबारा मेरी बात हो गई। और मैंने DO को भी बहुत डांट के कहा, मैंने BO को भी डांट के कहा कि टीचरों की, हमारे जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनका सातवें वेतनमान को जो रोक रखा है, वो तत्काल चौथी किस्त तत्काल गिनना चाहिए। मुझे आश्वासन दिया कि सोमवार को इनकी चौथी किस्त इनके खाते में पहुंच जाएगी, इसलिए मुझे संतोष है। और मेरे साथी जो आए, मेरे परिवार के सदस्य आए, उनको भी मेरी बात पर विश्वास है, सोमवार को हमारा सातवें वेतनमान की चौथी किस्त हमको मिल जाए।